प्यारे बच्चों, आजो सीखिए अज दी स्लाइड। तो बच्चों, अज दिन है शनिवार, अज तरीक है 18 जुलाई 2020। अगे वधिए अज दा विचार। तो बच्चों, अज दा विचार है सफलता लई सुपने ना लो, इस लई काम करो। हाँ जी बच्चों, बहुत वधिया है अज दा विचार कि सानू कदे भी सफलता दे लई सुपने नहीं लैने चाहिए, सगो मेहनत करनी चाहिए है, काम करना चाहिए है। क्योंकि जेकर असी आप सख्त मेहनत करांगे तो सफलता सानू आपे ही मिल जाएगी, उस दे सुपने लैन दी सानू लोड़ नहीं पएगी। देखो बच्चों, ये मेहनत ही है जो करांगे तो उस नाल सानू कोई भी टीचा हासिल हो सकता है। तो बच्चों, इस टीचे की मंजिल पार करने की शुरुआत सानू अज तो ही करनी चाहिए है, ते अपने आप तो शुरू करनी चाहिए है। इसलिए बच्चों, मेहनत नाल काम करो, सफलता बारे ना सोचो, क्योंकि जेकर मेहनत नाल तुसी काम करोगे तो सफलता आपे ही तुहाडे कदम चूमेगी। अगे वधिए ज्ञान विज्ञान। तो बच्चों, ज्ञान विज्ञान का पहला प्रश्न है, सिख धर्म के 7वें गुरु कौन हैं? हाँ जी बच्चों, सिख धर्म के 7वें गुरु श्री गुरु हर राय जी हैं। इन्हां बारे थोड़ी जानकारी लो। बच्चों, श्री गुरु हर राय जी का जन्म 1630 ईस्वी विच कीरतपुर स्थान ते होया सी। इन्हां दे पिता जी का नाम बाबा गुरदित्ता जी अते माता जी का नाम निहाल कौर सी। बच्चों, इन्हां दी पत्नी का नाम सुलखनी जी सी ते इन्हां दे दो पुत्तर सन, राम राय अते हर कृष्ण जी। ते जो हर कृष्ण जी सन, ओ ही अगों सिखां दे 8वें गुरु होए सन। अगे वधिए अगला प्रश्न, पंजाब दा किन्ने प्रतिशत भाग खेती योग है? तो बच्चों, पंजाब दा 83.4% भाग खेती योग है। देखो बच्चों, अपने पंजाब दे लोकां दा मुख किता खेतीबाड़ी है, ते पंजाब दी मुख फसल कणक ते चावल है। ठीक है, कणक दी इसे पैदावार करके ही अपने पंजाब नू अन्न दा भंडार भी किया जांदा है। बच्चों, थोड़ी होर जानकारी लो कि जेकर आपां अपने भारत दी गल करिए तां भारत दे विच उत्तर प्रदेश राज विच सब तो ज़्यादा कणक दी पैदावार हुंदी है, ते जे चावल दी गल करिए तां सब तो ज़्यादा चावल पच्छमी बंगाल विच हुंदे हन। अग्गे वधिए अगला प्रश्न, गणतंत्र दिवस कदों मनाया जांदा है? तो बच्चों, गणतंत्र दिवस 26 जनवरी नूं मनाया जांदा है। इस बारे थोड़ा इतिहास जानो कि बच्चों, इस गणतंत्र दिवस दी शुरुआत किवें होई सी। देखो बच्चों, पहली बार संविधान सभा दी स्थापना होई 16 मई 1946 ईस्वी दे विच। ते उस समय जदों इह स्थापना होई सी तां उस स्थापना दे बैठक दी प्रधानगी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने कीती सी, ते डॉक्टर राजिंदर प्रसाद जी नूं उस समय संविधान सभा दा प्रधान चुनिया गया सी। तां बच्चों, संविधान नूं उस समय 22 भागां 'च वंडिया गया सी, ते फिर उस तों बाद एक खरड़ा कमेटी तैयार कीती गई सी, ते इह खरड़ा कमेटी 26 नवंबर 1949 विच पास होई सी। फिर जाके 26 जनवरी 1950 विच अपने भारत का संविधान लागू होया सी, ते यही 26 जनवरी उस तो बाद गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जान लग्या सी। तो बच्चों, इस संविधान के निर्माण के 2 साल 11 महीने ते 18 दिन लगे सन। ठीक है, एक होर गल कि उस समय भारतीय संविधान के पितामा डॉक्टर भीम राव अंबेदकर जी सन। ते एक होर गल बच्चों, इसे 26 जनवरी वाले दिन अपने भारत दे राष्ट्रपति दिल्ली दे लाल किले ते झंडा लहराउंदे हन। अगे वधिए अगला प्रश्न, रोमन अंक प्रणाली विच 220 नूं किवें लिखिया जांदा है? तां बच्चों, इह है रोमन अंक प्रणाली दा चार्ट। इस विच 220 नूं डबल सी डबल एक्स दे रूप विच लिखिया जांदा है। देखो बच्चों, आपां सी नूं 100 मनदे हां तां डबल सी 200 हो गया, ते एक्स नूं आपां 10 लिखदे हाँ तां डबल एक्स 20 हो गया, तां टोटल हो गया 220। इस करके बच्चों, 220 नूं डबल सी डबल एक्स दे रूप विच लिखिया जांदा है।
ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ, ਇਹ ਹੈ ਚੱਕਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚਿਓ, ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਬਿੰਦੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਕਿ ਚੱਕਰ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ, ਚੱਕਰ 'ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਪੋਇਮ ਸੁਣਾਵਾਂਗੀ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਔਰ ਨੋਟ ਕਰਨਾ। ਆਈ ਐਮ ਆ ਸਰਕਲ, ਆਈ ਐਮ ਲਾਈਕ ਆ ਬੋਲ, ਰਾਊਂਡ ਐਂਡ ਰਾਊਂਡ, ਆਈ ਡੋਂਟ ਐਂਡ ਐਟ ਆਲ। ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ, ਆਓ ਬੁੱਝੀਏ। ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ, ਅੱਜ ਦੀ ਬੁਝਾਰਤ ਹੈ, ਇਹ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਵਾਰੀ, ਨਾ ਤੇਲ ਨਾ ਧੂੰਆਂ, ਕਰੇ ਦੂਰ ਬਿਮਾਰੀ। ਹਾਂਜੀ ਬੱਚਿਓ, ਬੁੱਝੋ, ਅੱਜ ਦੀ ਬੁਝਾਰਤ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਬੱਚਿਓ, ਸਮਝੋ, ਇਹ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਵਾਰੀ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਇੱਕ ਸਵਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਹੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਤੇਲ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਧੂੰਆਂ ਛੱਡਦੀ ਹੈ। ਕਰੇ ਦੂਰ ਬਿਮਾਰੀ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਬੱਚਿਓ, ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਕਿਹੜੀ ਸਵਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਸਾਈਕਲ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ, ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ਬਦ। ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ, ਅੱਜ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਥਿੰਕ। ਥਿੰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੋਚਣਾ। ਦੂਸਰਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਥਿੱਕ। ਥਿੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੋਟਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਥੈਂਕ। ਥੈਂਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਚੌਥਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਥਰੋ। ਥਰੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੁੱਟਣਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਥਰੋ। ਥਰੋ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਅੰਤ ਤੱਕ।